अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन वगैरह में और वो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें, जो जिनको बर्निंग इश्यूज होते हैं, जो जल चुके होते हैं पेशेंट्स, उनमें डॉक्टर अक्सर ना TP करके लिखते हैं कि टोटल प्रोटीन करा लें, तो उससे उनको ना कुछ चीज़ों का पता चलता है। अगर कम होगी तो वो फिर पूरी करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हो तो फिर वो दूसरी उसको सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को इस टाइप की, और फिर दूसरे एसाइटिक फ्लूइड निकालेंगे, एल्बुमिन चढ़ाएंगे उस पेशेंट को कुछ अर्से के लिए, ये वाली बातें होती हैं। फिर ये भी कह सकते हैं कि अंडे की सफेदी खाएँ। तो टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन के बाद उसको नॉर्मल करना उनका मेन होता है हेडेक। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि ना, ये टोटल प्रोटीन जब लेबॉर्टरी में सैंपल आ जाता है ना, तो अक्सर सीरम से किया जाता है, मतलब उसमें से फिब्रिन निकल जाता है। आपको पता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते करते आखिर में फिब्रिनो जिनको एक्टिवेट करते हैं, तो उससे फिब्रिन के क्लॉट बन जाया करते हैं, जिससे सीरम क्लॉट हो, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो सीरम अलग हो जाता है। तो ये फिर उसके बाद ना जो प्रोटीन को एस्टिमेट करते हैं, तो कोई से तो ऐसे रिएजेंट्स होंगे ना जो उसके साथ रिएक्ट करके कोई कलर कंपाउंड बनाएंगे, जिससे उसकी इंटेंसिटी का पता चल सकेगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। तो उस मेथड का नाम है बायूरेट मेथड। एनी कंपाउंड, मतलब वो प्रोटीन्स ही होंगी ना, ये लिपिड के अंदर तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा ना, और वो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। तो एनी कंपाउंड कंटेनिंग 3 or more पेप्टाइड बॉन्ड्स रिएक्ट्स विद अल्कलाइन कॉपर टार्ट्रेट रिएजेंट। अल्कलाइन, उसकी pH अल्कलाइन की हुई होती है, 7 से इंक्रीज होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डला हुआ होता है, और उसके अंदर एजेंट होता है कॉपर टार्ट्रेट, जिससे ये प्रोटीन्स रिएक्ट करती हैं, तो उसमें एक ब्लू टू पर्पल कलर पैदा होता है। मतलब थोड़ी प्रोटीन्स होंगी तो ब्लू, और इतनी हाई इंटेंसिटी वो प्रोटीन की हो जाएगी तो ज़्यादा कलर इंटेंस होगा, तो वो पर्पल तक बन सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो मतलब जितना कलर तेज़ है ब्लू से पर्पल की तरफ जा रहा है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड ज़्यादा है, तो मतलब प्रोटीन ज़्यादा है, एंड देयरफॉर टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब इसमें ना रिएजेंट जो यूज़ होता है ना, बायूरेट रिएजेंट यूज़ होता है, और उसको बनाने से पहले एक ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएजेंट भी बनाना पड़ता है। तो एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की टेबलेट्स या पाउडर डाल के उसमें फिर डिस्टिल वाटर में मिक्स करके 1 liter के हिसाब से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, क्योंकि ये बायूरेट रिएजेंट के अंदर डलना है, अल्कलाइन नेचर जो करनी है ना उस रिएजेंट की। तो वो कहता है उसकी मोलैरिटी होती है 6 mole/L, तो उस मोलैरिटी के हिसाब से 240 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ए फ्रेशली ओपन बोटल इन वाटर एंड मेक अप टू 1 liter विद फ्रेश डिस्टिल वाटर। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर रखा हुआ होगा बोतल में, कंपनीज देती हैं, आपने उसको 240 grams लेके 1 liter पानी के अंदर डिजॉल्व कर लेना है, आप लोगों का 6 mole/L सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का तैयार। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की ना टेबलेट्स भी आया करती हैं, तो वो लिख देते हैं कि लीटर में ना इतनी, मतलब ना वे करने का झंझट, और ये तो वो बहुत इजी सा होता है, एक पैकेट सा होता है, उसके अंदर टेबलेट्स होंगी, वो लिखा होगा कि 6 or 7 टेबलेट्स आप 1 liter के अंदर घोल दें। अच्छा, लेकिन मुझे ख्याल आ गया अभी अभी ये बार बार बताते हुए कि वो एक ख़ास मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए होती हैं। अब ये तो 6 mole/L के लिए, तो ये अलग उससे हो सकता है रिक्वायर्ड रेंज, तो इसके लिए पाउडर चाहिए होगा। अच्छा,
फिर क्या करना है, अब बायोलेट रेजेंट बनाना है। तो बायोलेट रेजेंट बनाने के लिए क्या करना है, डिसॉल्व 3 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड इन अबाउट 500 ml वाटर। पहले आधे लीटर के अंदर आपने 3 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिक्स कर लेना है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके अंदर 9 ग्राम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डालना है, ताकि ये दोनों रिएजेंट आपस में मिलके कॉपर टार्ट्रेट वो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा, एंड 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जब बन गया, ये तकरीबन आधे लीटर के अंदर कंपाउंड वो मिक्स हो गए सारे, तो उसके बाद क्या करना है कि 100 ml जो ऊपर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाया था 6 मोलर, वो आपने ऐड कर देना है। तो तकरीबन ये हो गया 600 ml। अब ऊपर से बाकी जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ना, वो आपने 1 लीटर तक कर कि जहाँ तक मार्किंग हुई हुई है ना उस ट्यूब के वो फ्लास्क के ऊपर, वहाँ तक डिस्टिल वाटर का बना डाल देना है। तो इस तरह आप लोगों का एक बायोरेट का रेजेंट 1 लीटर का तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब वो प्रोसीजर कहता है फॉलो द डिटेल्ड प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल किट इन यूज फॉर रेजेंट्स प्रिपेयर्ड एज अबव फॉलो द प्रोसीजर बिलो। तो आप वो कहता है कि अगर कोई किट आप यूज़ करो, जाहिर है आप ये वाली चीज़ें सोल्यूशन बनाना बनाना ये तो पढ़ाई की हद तक है ना, ये किसी लैब में काम करोगे तो वहाँ तो किट ही यूज़ हो रही होगी ना। तो वो कहता है कि जब आप काम कर रहे हो तो जो किट यूज़ की है उसके मैन्युफैक्चरर ने जो आप लोगों को डिटेल्स दी हैं उनको फॉलो करें। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं 6, चलो वहाँ बनाने नहीं पड़ते, आप पहले उनको लगा के कैलिब्रेशन करते हो, स्टैंडर्ड कर्व बनता है, स्टैंडर्ड कर्व बनेगा तो वो आप एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन और वाई पे ऑब्जॉर्बेंस होगी, आप वो पॉइंट्स लगा लोगे कि कितनी ऑब्जॉर्बेंस आती है, जब उनको मिलाओगे तो एक लाइन सी बनेगी जो ओरिजिन को टच करती हुई सीधी सी होगी। अगर तो वो सेट बन गई तो आपका कैलिब्रेशन ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद उनके 3 कंट्रोल दिए हुए होंगे उस किट के अंदर, तो आप वो कंट्रोल रन करोगे और उनकी अगर उनकी बताई हुई रेंजेस के अंदर रिजल्ट आ गया तो वो कंट्रोल इन होंगे, मतलब ओके होंगे, और अगर उनकी रेंज के अंदर कंट्रोल का रिजल्ट नहीं आया तो आपका मसला है कोई प्रोसीजर के अंदर, तो बेहतर है इन आ जाएंगे। फिर आप उस किट के अंदर कितने माइक्रोलीटर रेजेंट लेना है, कितने माइक्रोलीटर सैंपल लेना है, वो यूज़ करके अपने रिजल्ट्स ले लोगे। लेकिन अब अगर आपने इन रेजेंट्स को यूज़ करना है जो आपने ऊपर बताए हैं, तो वो कहता है बुक वाला AFIC वाला कि आप इन वाले स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले आप 2 ट्यूब्स लो, एक टेस्ट की और एक ब्लैंक की, और उसके अंदर 5 ml बायोरेट रेजेंट डाल दो दोनों के अंदर। टेस्ट की तो इसलिए क्योंकि आपने रिज़ल्ट मालूम करना है पेशेंट का, और ब्लैंक इसलिए क्योंकि रेजेंट्स ये जो बायोरेट रेजेंट है इसका भी तो अपना कोई कलर है ना, तो वो बहुत लो होगा, आपको शायद दिख रहा हो कितना है नहीं, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए काफ़ी है, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आप ब्लैंक का कलर नोट करके वो टेस्ट के कलर से माइनस करोगे, क्योंकि ब्लैंक के अंदर तो वो प्रोटीन्स थी नहीं, जो भी कलर था रेजेंट्स का था, तो टेस्ट के अंदर भी तो वो एक्स्ट्रा कलर फिर ज़ाहिर बनना है रेजेंट्स की वजह से, तो वो उसे माइनस कर लेनी है, तो फिर जाके टेस्ट की सही वाली वैल्यू निकले। खैर उसके बाद सैंपल जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 μL डालें वो सीरम का, और ब्लैंक में सैंपल की जगह पानी डाल दें वाटर, मिक्स एंड लेट स्टैंड फॉर 30 मिनट एट रूम टेम्परेचर। उनको अच्छे से मिक्स करना है और फिर 30 मिनट्स की इनक्यूबेशन है, ताकि वो सारा जो केमिस्ट्री का केमिकल का रिएक्शन है ना वो पीछे होता रहे पेप्टाइड बॉन्ड का बायोरेट के साथ। तो
ये इनक्यूबेशन रूम टेम्परेचर पे है। उसके बाद रीड ऑब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट एट 540 नैनोमीटर अगेंस्ट ब्लैंक, तो ये 540 नैनोमीटर तकरीबन ब्लू से पर्पल कलर के करीब की है, सही वो 7 के करीब होती तो वो रेड होता कलर। एंड नोट द रिज़ल्ट फ्रॉम कैलिब्रेशन कर्व। अब आपको वो कैलिब्रेशन कर्व के, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैलिब्रेशन से कैसे, क्योंकि फिर आपने एक स्टैंडर्ड उठाना है, उसका ऑब्जर्वेंस लेनी है, ऑपरेशन के टेस्ट की ऑब्जर्वेंस लेनी है। तो फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, वो यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड, जो आपने उस वक्त लगाया है वो वाला स्टैंडर्ड, 6 ट्यूबों में से कोई सा भी, सारे जीरो वाला यूज़ आप नहीं करोगे। अच्छा फिर नॉर्मल रेंज क्या है हेल्दी लोगों के अंदर सीरम के अंदर, वो 65 to 80 ग्राम पर लीटर होती है। इसके अंदर आ गई या 65 आ गई तो वो बंदा नॉर्मल है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं इनके अंदर, अगर 65 से कम आए तो वो कौन सी कंडीशन है, 80 से अबव आ जाए तो वो कौन सी कंडीशंस हैं। तो टोटल प्रोटीन्स में भी इंक्रीज्ड 80 से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है डिहाइड्रेशन में, मतलब पेशेंट डिहाइड्रेट हुआ है। अच्छा फिर हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, जब कुछ क्या है कि कैंसर वैंसर भी होते हैं ना, जैसे वो मुझे भी भूल रहा है कौन सा होता है वो, मैं आप लोगों बाद में बताता हूँ। तो उसके अंदर ना वो एक ख़ास चेन, मतलब लाइट चेन धरा बनने लगती है और गामा ग्लोबिनीमिया हो जाता है। वो मल्टीपल मायलोमा, हाँ मल्टीपल मायलोमा के अंदर ना ये जो होती है ना प्रोटीन्स, वो प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो वो मौजूद होती है, तो प्रोटीन्स ओवरऑल इंक्रीज हो जाती हैं। वैसे टोटल प्रोटीन हर उस कंडीशन में इंक्रीज़ ही मिलेगी, चाहे एल्बुमिन बहुत बढ़ जाए तब भी, क्योंकि वो भी तो प्रोटीन है, चाहे ग्लोबुलिन बढ़ें तब भी, चाहे कोई और क्लास ऑफ प्रोटीन बढ़े, तो प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन फिर रही होती है उनमें से कोई सी भी ज़्यादा होगी तो वो रिजल्टेंट क्या होगा कि वो सारी की सारी प्रोटीन हाई आपके रिजल्ट में आ जाएगी। अब ये देखने के लिए कि एल्बुमिन है, गामा ग्लोबुलिन हैं, ये मल्टीपल मायलोमा की वो प्रोटीन्स आ गई हैं या कुछ भी, तो आप उसके लिए फर्दर फिर आगे के टेस्ट करते हो, एल्बुमिन करवा लेते हो, एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशो AG रेशो करवाते हो, तो इस टाइप की बातें होती हैं। अच्छा फिर इन्फेक्शंस के अंदर भी वो प्रोटीन्स बढ़ती हैं, तभी तो जिस किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ, जैसे अक्सर वो कराते हैं ना इन्फेक्शन कौन सा होता है वो TB का, तो उसमें ESR करवाते हैं। यह सबको तो शायद ये बात ना समझ आए, तो वो एक हीमेटोलॉजी का टेस्ट, एक पतली सी ट्यूब के अंदर ब्लड भर के रख दिया जाता है तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो जितनी ये उसमें वो क्या एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो वो RBCs के साथ ज़्यादा चिपकती हैं और ब्लड ज़्यादा नीचे बैठता है और ESR का रिज़ल्ट बढ़ा हुआ आता है, तो ये इन्फेक्शन में भी ये होता है, टोटल प्रोटीन बढ़ती हैं। अब किन कंडीशन में ये टोटल प्रोटीन की वैल्यू रिज़ल्ट कम आ सकता है, तो वो आएगा ये लिवर प्रॉब्लम्स में, जिनको सिरोसिस हुई हुई है ना, तो ज़्यादातर प्रोटीन्स जिसमें से एल्बुमिन मेन है वो 90% तकरीबन होती है, तो वो बनती है लीवर में। जब लीवर ही कमज़ोर हो गया तो वो नई प्रोटीन बनेगी, तो टोटल प्रोटीन डेफिनेटली कम ही आएंगी सारी के सारी, तो इसमें एल्बुमिन भी फिक्रवाएंगे ना तो एल्बुमिन भी कम आएगी। अच्छा फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब किडनी के नेफ्रोन्स का इशू हुआ है, तो वहाँ से सारी प्रोटीन्स ना फिल्टर होकर यूरिन में जा रही हैं, तो अगर इस पेशेंट का ना साथ में यूरिन DR भी करवाया हुआ होगा ना, यूरिन की रिपोर्ट्स भी, तो उसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा आ रही होंगी। फिर एसाइटिस में भी क्या होता है कि ना वो जो प्रोटीन्स होती हैं ना, जैसे एल्बुमिन भी हो गई, वो कम हो जाती हैं, वो एक तो बन नहीं रही होती ऊपर,
और फिर डाइल्यूट हो जाती हैं, तो क्या है कि ना पानी भर जाया करता है, तभी तो ना पेशेंट्स को जो साइटिस के पेशेंट होते हैं ना, अच्छा उस टोटल प्रोटीन के पीछे जो मेन वजह होती है ना प्रोटीन कम होने की, वो होती है कि एल्बुमिन कम बनता है। तो फिर जब आपने टोटल प्रोटीन करवाओगे आपको कम नज़र आएंगी, फिर आप एल्बुमिन कराओगे वो एल्बुमिन भी ना वो नॉर्मल रेंज से बहुत कम आ रहा होगा, फिर डॉक्टर ना उनको कहेंगे कि आप ये एल्बुमिन के इंजेक्शन लगाएं। और एल्बुमिन का इंजेक्शन मेरे फादर को लगा था, मेरे फादर को बोलते थे डॉक्टर के ना आप अंडे की सफेदी खाएं, लेकिन वो नहीं खाते थे, ज़िद करते थे। फिर वो पेशेंट होते भी इस तरह ना वो चिड़चिड़े हो जाया करते, तो करते कराते एल्बुमिन बहुत कम आया और एल्बुमिन के इंजेक्शन 3 लगे थे अबू को। मेरा ख्याल है कि एक इंजेक्शन शायद 4 से 5 हज़ार रुपये का मिलता है, उस वक्त हम लोगों ने लगवाया था, बस छोटा सा इंजेक्शन एक उसमें लग जाता है, 3 से 4 लगवाते हैं वो। और फिर कार्डिक फेलियर के अंदर भी ये, क्योंकि वो इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ होता है, तो वो जो नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है उसमें प्रोटीन डिटेक्ट करोगे तो वो नॉर्मल आएगी, लेकिन एक ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ तो वो डाइल्यूट हो गई तो इसलिए कम आपको नज़र आएगी। फिर प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, तो आंतों के अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा तब भी। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ये नॉर्मल कंडीशन है, इनमें कहाँ कहाँ प्रोटीन का लेवल कब कब कम हो सकता है। प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 10-15% व्हेन द पोस्चर इज चेंज्ड फ्रॉम रिकम्बेंट टू अपराइट, फिर लीडिंग टू अल्टरेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ए स्मॉल इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम में अकर 2 hours आफ्टर एन 800 calorie मील एंड आफ्टर एक्सपोजर टू हीट, गर्मी में और ये खाना खाने के बाद भी थोड़ा प्रोटीन की वैल्यू लो होती हैं। टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन इन हेपरनाइज प्लाज्मा इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.3 g/dL हायर दैन इन सीरम, वो कहता है प्लाज्मा में 0.3% टोटल प्रोटीन ज़्यादा होती है सीरम की नस्बत, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि उसमें फिब्रिन वो फिब्रिनोजिन मौजूद होता है, तो अगर सीरम यूज़ करोगे तो वो फिब्रिन क्लॉट में बन के फिब्रिनोजिन ख़त्म हो चुकी हुई होती है। अच्छा, द इंक्रीज इन सीरम प्रोटीन आफ्टर एक्सरसाइज इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, वो पसीने से भी हो जाता है, पसीना के वो ब्लड थोड़ा सा कम हुआ और रिलेटिवली ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं होता तो प्रोटीन वो कंसंट्रेट हो जाती हैं तो वो हाई आती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड प्रेगनेंसी डिक्रीज टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन ड्यू टू डिक्रीज इन एल्बुमिन, तो ये एल्बुमिन की वजह से है कि एल्बुमिन कम हो रही है, तो इन दो कंडीशन में टोटल प्रोटीन भी, तो टोटल प्रोटीन कोई एक अलग से टेस्ट वो कोई मखलूक नहीं है, वो तब टोटल प्रोटीन में क्या क्या आता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हैं, और फिर ट्रांस वो आगे तो बहुत सारी हैं, जैसे सीरम एमोलाइड A1, ट्रांसथायरेटिन, और वो क्या उसको कहते हैं सीरोलोप्लाज्मिन, हेप्टोग्लोबिन, ये जो मैं तो बड़े बड़े मेन मेन के नाम ले रहा हूँ, बता नहीं कितनी ढेर सारी हैं, मैक्रोग्लोबुलिन, माइक्रोग्लोबुलिन, इनके भी फिर आगे 1, 2, 3 कितनी तरह की आती हैं, हीमोपेक्सिन, इस तरह की, ये वो प्रोटीन है जो तकरीबन 92% प्लाज्मा में होती हैं जिनका मुझे पता है, मैंने इन पे वर्क किया, मुझे मैंने इनको देखा हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इनमें से कोई भी अगर बढ़ेगी तो टोटल प्रोटीन्स बढ़ेंगी, इनमें से कोई सी भी फिर कम होगी तो वो कम होगी। तो इस तरह ना टोटल प्रोटीन अक्सर लीवर फंक्शन में करवाया जाता है, तो अभी दूसरी भी बहुत सारी कंडीशन, सबसे पहले टोटल प्रोटीन करवा लेते हैं, फिर प्रेजेंट की बाकी सिम्टम्स को देखते हुए उसकी हिस्ट्री देखते हुए ना फिर आगे टेस्ट करवाते हैं कि वजह क्या है टोटल प्रोटीन के कम होने या बढ़ने की, मतलब वो एंड वाली आखिर की प्रोटीन तक पहुंचा जाता है हर दफ़ा। तो बस ये था आप लोगों का टोटल प्रोटीन।